गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि अंबाला सुंदर लगे, लेकिन अंबाला में सरकारी संपत्ति पर लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्ड इसकी सुंदरता में ग्रहण लगा रहे हैं। सरकारी संपत्ति पर लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके अभी भी कई जगह पर ऐसे बोर्ड भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि एक दो दिन में सभी को हटवा दिया जाएगा और जिसके भी ये बोर्ड हैं उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर, नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा अंबाला सदर एरिया में जितनी भी सरकारी संपत्तियों पर कोई भी होर्डिंग्स, बैनर्स या जो भी पोस्टर लगे हुए हैं उनके रिगार्डिंग पहले भी एक मतलब मुनादी करवा दी गई शहर में, सभी लोगों को सचेत कर दिया गया और जो भी अखबारों के माध्यम से भी सूचित किया गया कि अपना कोई भी जो सरकारी संपत्ति पर किसी का भी पोस्टर, बैनर या होर्डिंग लगा होगा तो उसके खिलाफ अपना जो FIR तक दर्ज करवाई जाएगी और उसका जुर्माना भी किया जाएगा। तो पीछे हमने कईयों के खिलाफ जितने भी जो जहाँ जहाँ लगे हुए थे उनकी फ़ोटो खींचकर और उनका जो भी है उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई हुई है, और जो भी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का कुछ भी मिलता है तो उसके खिलाफ वो जो जुर्माना राशि या जो उसका प्रावधान है वो किया जा रहा है। और इनको सख्त चेतावनी है कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर कोई भी ये जो अनावश्यक ये पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स है लगाने सख्त मना। अगर ऐसा कुछ है भी है तो उसका जितना भी है उसको उनके खिलाफ जुर्माना लगा लिया जाएगा और उनको जो उतार दिया जाएगा उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो FIR भी करवा दी जाएगी। आजकल में ये कार्रवाई कर देंगे, कहीं भी नहीं होगा।